शहनाज गिल जो अपनी एक तस्वीर को लेकर भी चर्चाओं में आ जाती हैं, हाल फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म को लेकर चर्चाओं में हैं। जी हां, शहनाज गिल के चाहने वाले सभी दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि शहनाज गिल बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं, यानी कि बॉलीवुड में उनकी एंट्री होने वाली है। और जाहिर है कि इससे बेहतर खबर नहीं हो सकती। शहनाज की अगर बात की जाए तो कुछ वेब सीरीज में शहनाज नजर आने वाली हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, और साथ ही साथ अगर बात की जाए लुसिफर की तो उसके बारे में भी आप जानते ही होंगे। अगर बात की जाए बॉलीवुड की तो बॉलीवुड में किसी अभिनेत्री का आना, किसी एक्ट्रेस का आना एक बड़ी चीज़ मानी जाती है और यहीं से बेहतर करियर की शुरुआत होती है। शहनाज गिल डेब्यू करने वाली हैं बॉलीवुड में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल कन्फर्मेशन सामने नहीं आई है, सलमान खान की तरफ से कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है और ना ही शहनाज गिल की तरफ से कोई कन्फर्मेशन सामने आई है। हाँ, कयास ज़रूर लगाए जा रहे हैं कि शहनाज आने वाले दिनों में एक बॉलीवुड फिल्म में नज़र आएंगी। आपको बता दें, शहनाज के फैंस पिछले 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो मौका आए जब शहनाज गिल बॉलीवुड की किसी बड़ी और बेहतरीन फिल्म में नज़र आए। लगता ऐसा है कि शहनाज गिल जल्द ही किसी बॉलीवुड की बड़ी फिल्म में नज़र आने वाली हैं। हाल फिलहाल जिस फिल्म की बात की जा रही है उस फिल्म का नाम है कभी ईद कभी दिवाली। इस फिल्म को लेकर हाल फिलहाल जितनी भी इंफॉर्मेशन सामने आई है वो आधी अधूरी है, क्योंकि कन्फर्मेशन किसी भी रिसोर्स पॉइंट से नहीं मिल पाई है। जितनी भी कन्फर्मेशन सामने आ रही है वो सोशल मीडिया के अनऑथराइज यूजर से सामने आ रही है। अगर ऑथराइज यूजर की बात की जाए तो शहनाज गिल या सलमान खान के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे कोई भी खबर सामने नहीं आई है। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि कन्फर्मेशन नहीं दी गई है। ऐसे में अफवाह होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वही आपको बता दें, एक ऐसा हिंट मिला है जिससे ये बात साबित होती है कि शहनाज गिल अपनी आने वाली फिल्म, चाहे वो कभी ईद कभी दिवाली हो या कोई और फिल्म हो, उस फिल्म में 4 भाषाओं का इस्तेमाल करती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि शहनाज इंग्लिश बोल लेती हैं, शहनाज हिंदी बोल लेती हैं, शहनाज पंजाबी बोल लेती हैं, और हाल ही में शहनाज ने एक ट्विटर रखा है जिसमें शहनाज मराठी सीख रही हैं। जी हाँ, मुंबई में रहने के लिए मराठी सीखना हर एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है और शहनाज गिल मराठी सीखती हुई नज़र आई हैं। रिसोर्सेज से पता चला है कि शहनाज ने अच्छी खासी मराठी सीख ली है और जल्द ही शहनाज मराठी बोलती हुई भी नज़र आएंगी। तो कुल मिलाकर शहनाज गिल अब 4 जबानों में मुखातिब हो सकती हैं किसी से भी, चाहे वो पंजाबी बोल रहा हो, चाहे इंग्लिश बोल रहा हो, चाहे हिंदी बोल रहा हो या फिर मराठी बोल रहा हो। तो ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि शहनाज गिल जब भी बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी या किसी भी फिल्म में नज़र आएंगी तो उस फिल्म में संभावनाएं हैं कि शहनाज 4 लैंग्वेजेस में बात करती हुई नज़र आए। हाल फिलहाल एक प्लस पॉइंट है किसी भी एक्ट्रेस के लिए, उन्हें जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आती है उतना उनके लिए बेहतर रहता है। और कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप शहनाज गिल की नई फिल्म देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।